बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ नेटफ्लिक्स। दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो कि नेटफ्लिक्स पहले OTT प्लेटफॉर्म था, ना कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सन 1998 में नेटफ्लिक्स पहले DVDs को रेंट पर देता था। जब नेटफ्लिक्स ने अपने OTT प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमिंग सर्विसेज में कन्वर्ट करने का सोचा तो नेटफ्लिक्स द्वारा भी कुछ बड़ी गलतियां हुई थी, जैसे कि पहले मेंबर्स को सिर्फ $10 में DVD डिलीवरी सर्विस और स्ट्रीमिंग सर्विस दोनों ऑप्शंस एक महीने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन बाद में कंपनी ने एक सिस्टम बनाया जिसमें मेंबर्स को DVD डिलीवरी सर्विस और स्ट्रीमिंग सर्विसेज दोनों अलग अलग एंटिटीज में अवेलेबल थी, और इन दोनों की मेंबरशिप लेने के लिए कस्टमर्स को अलग अलग बिलिंग एग्रीमेंट करना पड़ता था। लेकिन बिलिंग को अलग करने के बाद जो उनके करंट प्राइसेस थे वो 60% से भी ज़्यादा बढ़ गए थे, और न्यू सिस्टम में $8 में DVD सर्विस थी और $8 में स्ट्रीमिंग सर्विस। इसमें सबसे बुरा ये हुआ कि कंपनी ने कस्टमर्स को प्राइसेस के बढ़ने के बारे में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और कस्टमर्स उनके इस प्राइस के बढ़ने से खुश नहीं थे। और इसके 3 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स के CEO रीड हास्टिंग्स ने एक अपॉलजी इशू किया। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही थे, 2 बिलिंग सिस्टम करना सही में अच्छा आइडिया नहीं था और हम अब इसे दोबारा सुधार रहे हैं। लेकिन प्राइजेस के बढ़ने से नेटफ्लिक्स को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें करीब 8 लाख मेंबर्स नेटफ्लिक्स को छोड़ चुके थे। बट नेटफ्लिक्स ने जल्द ही अपनी गलती को सुधार लिया और वापस रिकवर कर लिया।